हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि टीडीएस का जो न्यू कॉन्सेप्ट है और उसके जो न्यू स्लैब रेट्स है वो क्या है, और कैसे उसकी एंट्रीज आपको टैली का जो न्यू वर्जन है टैली प्राइम उसमें करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें और कोई भी पार्ट को स्किप ना करें, वरना आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है, जाकर इसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि टैली प्राइम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टैली प्राइम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना, प्लेलिस्ट में जाके टैली प्राइम का एक प्लेलिस्ट है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको मैंने कुछ वीडियोस बना के तैयार किए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ TDS के बारे में, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ TDS। यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TDS रिफर्स टू एन एडवांस टैक्स विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम्स और अर्निंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एक्चुअली क्रेडिटिंग द इनकम टैक्स इनकम इन टू द अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी एज पर द टैक्सेशन कोड ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, इस TDS कैसा है, एक तरीके का टैक्स है, जैसे GST आपका टैक्स है जो आपको पे करना रहता है, उसी तरीके से TDS आपका क्या है, एक टैक्स है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना रहता है। अब ये सब पे लागू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, या तो अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है, इंडिविजुअल है, या उसका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी उसको क्या करना पड़ता है, उसको TDS पे करना पड़ता है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इट इज़ एन एडवांस टैक्स विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, जो आप इनकम अर्न करोगे, ठीक है, तो वो आप इनकम अर्न करने से पहले आपको वो TDS कट जाएगा, फिर आपको वो इनकम मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने एडवर्टाइजमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, और 25,000 का आपने वो क्या किया, उसको एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अभी इस पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वो आपको TDS कटेगा 10%, तो 25,000 का 10% कितना हो गया, 2,500, तो वो कट के जो बचेगा वो आपको इनकम मिलने वाला है, क्योंकि वो जो 2,500 है वो आपको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट का टैक्स अमाउंट है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे एज द नेम सजेस्ट TDS इज द टैक्स विच इज डिडक्टेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम एट द सोर्स वेयर इनकम वॉज जनरेटेड, जो मैंने अभी आपको बताया, द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर और इनकम जनरेटर, सो द TDS ऑन द अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस बिकम वन ऑफ द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड दैट इज द रीजन वाई द प्रोविजन ऑफ TDS प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गवर्नमेंट। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैंने एक स्लैब रेट भी बनाया, करेंट स्लैब रेट में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये TDS का करेंट स्लैब रेट है, जो पहले स्लैब रेट से जो फिनेंशियल ईयर आपके 2020-2021 से थे वो अभी पूरे चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू स्लैब रेट आया है फिनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021 का, ठीक है। पहले यहाँ पे अलग अलग स्लैब रेट्स होते थे, जैसे कि 60 ईयर्स तक के एज के, फिर 60 से 80 ईयर्स के एज के, फिर 80 से अबव के, उनके अलग अलग रेट्स होते थे, पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि स्लैब रेट की, अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो 2.5 लाख तक है, तो वो सेम था जो पहले था, वही अभी भी है, वो नील रहेगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख एंड 3 to 5 लाख पे 5% होता था, 5% होता था, फिर 80 अबव के लिए नील था, अब यहाँ पे सबके लिए कंपलसरी क्या करते हैं, यहाँ पे 5% डाल दिया है, ठीक है। 5 to 7.5 लाख से 20% था, अब यहाँ पे कम हो चुका है, वो कितना हो गया है, 10%। तो इसी तरीके से आप स्लैब रेट दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्लैब रेट भी बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कि पहले TDS का रेट क्या था और अब क्या हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तैयार किया, वैसे तो TDS का जो क्वेश्चंस होते हैं, जो
उनका पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बहुत एक इजी वे तैयार किया है, जिससे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया है ताकि आप समझ सके कि परचेज एन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम मनीपाल ट्रेडर फॉर 25,000, यानी कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट परचेज किया, यानी आपको एक एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मनीपाल ट्रेडर से। मनीपाल ने बोला कि भाई मुझे एक एडवर्टाइजमेंट की सर्विस बना के दो, यह कॉन्ट्रैक्ट ले लो और उसका खर्चा होने वाला है 25,000, ठीक है, जिस पे हमको टीडीएस कैलकुलेट करना है 10% एंड जीएसटी उस पर भी आपको कैलकुलेट करना है 18%। तो चलिए टैली में इसको कैसे करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा टैली प्राइम का, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इस पर आप काफ़ी ईजिली वर्क कर सकते हो। शॉर्टकट कीज भी काफ़ी इसके चेंज हो चुके हैं एंड इसमें भी आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो थोड़ा वेट करना है, थोड़ा लोड होने के लिए काफ़ी टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू टैली ईआरपी 9 जो सॉफ्टवेयर था। अब आपको लेना है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, हम तो लाइसेंस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यू एजुकेशन मोड। कोई आईडी पासवर्ड पूछेगा कंपनी का तो आपको एस्केप करना है कीबोर्ड से, एस्केप के साथ ही हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे और टीडीएस से संबंधित हम ये एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टीडीएस लिख देते हैं, टीडीएस एंट्री डाल देते हैं। ओके, मेलिंग नेम जो भी है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिलहाल हम यहाँ पे एक ले लेंगे महाराष्ट्र और यहाँ पे एंटर करते साथ इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको यहीं पर ही जीएसटी ऑप्शन एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जीएसटी टिन नंबर डाल देना है। ओके, जीएसटी टिन नंबर डालने के बाद आपको इसको एंटर करते साथ आपको इसको करना है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो इस टीडीएस को भी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। वाई दबा का आपको एंटर करना है टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी फिलहाल हम एजुकेशन वर्जन कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको कोई ओरिजिनल डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। जब आप ओरिजिनल कंपनी में काम करेंगे, जब खुद के लिए आप फाइलिंग रिटर्न्स करेंगे तो यहाँ पे आपको खुद की कंपनी का और खुद का डिटेल्स ओरिजिनल डालना होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया सिक्स डिजिट्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया वन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ABCD 1 2 3 4 5 A। ओके, एंटर कर दिया और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको डालना है, जो ओरिजिनल डिटेल्स आपकी रहेगी वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे सॉरी कई वेरियस ऑप्शन आएंगे जैसे कि क्या सेलेक्ट करना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने कंपनी ले लिया, अगर आपका जिस हिसाब से जो भी आपका डिडक्टिव टाइप रहेगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, एंटर करने के साथ साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट कर लेने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपको टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट में आ जाएगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। अब यहाँ पे आपको नेम का ऑप्शन आएगा, तो नेम में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने परचेज एन एडवर्टाइजमेंट, तो उसी नाम का हम यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ADV सेक्शन, यहाँ पे मैंने डाल दिया 194C, पेमेंट कोड मुझे फिलहाल पता है नहीं, ये सब कोड्स मुझे पता है नहीं क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं एजुकेशन वर्जन का टैली है हमारा ये प्राइम, और यहाँ पे पता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका ये लाइसेंस वर्जन नहीं है। अगर आपका ये लाइसेंस वर्जन होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पर का एक ऑप्शन आ रहा है, हेल्पर है, मैनुअल है, और तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करते ना तो यहाँ पे ये आपको इसकी डिटेल्स बताता है कि इसके अंदर का जो भी आपका पेमेंट कोड क्या है, रेमिटेंस कोड क्या है, कौन सी सर्विस का मतलब क्या सेक्शन कोड होता है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ से पता चल जाता है। लेकिन आप अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा एजुकेशन वर्जन है, लाइसेंस वर्जन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सेक्शन कोड क्या डाल दिया 194C, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि जिस सर्विस से रिलेटेड आप एंट्री कर रहे हैं तो उसका सेक्शन पेमेंट कोड रेमिटेंस कोड क्या हो सकता है, क्या है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंटर करेंगे विथ पैन एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंडिविजुअल है और रेट फॉर अदर डिडक्टेड टाइप्स है, बता रहे कि अगर आप इंडिविजुअल से रिलेटेड TDS की एंट्री कर रहे हो तो TDS का परसेंटेज कितना डालना आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं 10% ले लेते हैं, और यहाँ पे भी आपको यहाँ सेम क्या डाल दे रहा है 10% डाल देना है। ठीक है, आपको स्लैब रेट तो मैंने बताया ही है कि स्लैब रेट जो मैंने दिखाया उसी हिसाब से आप परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप एंट्री करेंगे उसका एक्सपेंस आपको यहाँ पे तो दिख ही जाएगा कि
अगर सैलरी से रिलेटेड करें तो, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इतना इतना सैलरी होने वाले, तो आप वहाँ पे नील डाल देंगे। अगर आपको पता है इतने से इतनी सैलरी जाने वाली है तो आप वहाँ पे 10% डाल देंगे। ओके, फिलहाल ये रफ आइडिया मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 10%। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे मैंने डाल दिया 5000। इसका फॉर एग्जांपल मतलब क्या है कि अगर 5000 तक का खर्चा होता है तो मुझे TDS माफ़ है, मुझे TDS चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे सैलरी का मैंने बनाया, तो देखिए आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख तक की सैलरी है तो उस पर TDS माफ़ है, यानी निल है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 5000 तक का अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, बिल बनेगा, तो उस पर आपको TDS नहीं लगेगा। ओके, पर मेरा एक्सपेंस हो रहा है 25000 का, तो मुझे TDS कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंटर करने और एंटर करने के साथ इसको आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कुछ बेसिक लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो अगेन आप क्रिएट में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे। सबसे पहले पार्टी का लेजर हम बना लेंगे, क्या नाम है पार्टी का यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। एक तो खर्चा आपका हो रहा है एडवर्टाइजमेंट, उसका लेजर, और मनीपाल ट्रेडर का पार्टी लेजर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मनीपाल ट्रेडर्स, और आप इसे खरीद रहे हो, इसने आपको एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो सन्डे क्रेडिटर आ जाएगा, यस आ जाएगा। और यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल को आपको यस करना है, और यस करने के साथ साथ यहाँ पे आपने वहाँ पे कंपनी लिया था, तो यहाँ पे भी हम सेम कंपनी रेसिडेंट ले लेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के साथ साथ आपको यहाँ पे ये आ जाएगा पैन नंबर, यहाँ पे ABCD AD 1234A। अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर का आपको डालना मैंडेटरी इसलिए क्योंकि वरना फिर आपका डबल कर जाएगा TDS, एक्स्ट्रा कर जाएगा, यानी 20% आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, ये मैंडेटरी है डालना है यहाँ पे, वरना आपको डबल कर जाएगा TDS गाइस, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका GST टिन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, टिन नंबर डालने के साथ आपको इसको एक्सेल करना है। नेक्स्ट आपको जो लेजर बनाना है वो बनाना है एडवर्टाइजमेंट का। अभी आपका खर्चा है, आपने एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आपको यहाँ पे ले लेना है नॉट एप्लीकेबल, यस करना है, और इसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने ADB 1234567 डाल दिया, यहाँ से ले लिया परचेज टैक्सेबल लास्ट वाला ऑप्शन, और GST कितना है क्वेश्चन में 18%, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है इसको एप्लीकेबल, यहाँ से लेना है आपको एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से ये लेजर आपका क्रिएट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। नेक्स्ट हम टैक्स के लेजर बनाएंगे, सबसे पहले बना लेते हैं TDS, ड्यूटीज एंड टैक्सेस TDS, और यहाँ से आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आ जाएगा GST, सेंट्रल टैक्स, और नीचे जो ऑप्शन है इसमें एप्लीकेबल करते हुए आपको क्या लेना है, एडवर्टाइजमेंट। उसी तरीके से GST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एप्लीकेबल के साथ एडवर्टाइजमेंट, और लास्ट में एक आपको बनाना है बैंक ऑफ इंडिया, अंडर डाल देना आपको इसको बैंक अकाउंट, और एंटर करते करते आपको इसको कर देना ऐसा। GST टिन नंबर आप यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल के एजुकेशन वर्जन कर रहे हो तो कुछ डालने की आपको जरूरत नहीं है, अगर डालना है तो डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स, ये आपका वाउचर्स, और यहाँ से आपको F9 परचेज प्रेस करना है, ये आपका F9 परचेज प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर आपका क्वांटिटी आएगा तो वो आपको हटा देना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा चेंज मोड, और आपका फिलहाल देखो नॉर्मली आपको आइटम इनवॉइस यानी ऐसे क्वांटिटी दिखाएगा, तो ये क्वांटिटी आपको हटाना होगा, उसके लिए आपको कंट्रोल एच के साथ चेंज मोड पे जाना है, और यहाँ से लेना आपको अकाउंटिंग इनवॉइस। सप्लाई इनवॉइस नंबर में मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख दिया TDS बिल, एंटर कर दिया। पार्टी नेम में यहाँ पे ले लिया मैंने मनीपाल ट्रेडर, एंटर कर दिया, इसमें फिलहाल कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको भी एंटर कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट 25000 का आपका खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट का, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्या पहले चार्ज करेंगे TDS, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2500 का ही डिडक्शन हो रहा है आपका, ठीक है, यानी 10%। उसके बाद आ जाएगा CGST, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका SGST, ठीक है। इस कैलकुलेशन का अगर आपको अच्छे से और समझना है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोर डिटेल्स का ऑप्शन है, इसमें अगर आपको GST का जो टैक्स एनालिसिस कैसे कट हुआ है तो उस पर आप क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25000 का आपका जो बिल बना था उस पर आपका ये कट हुआ है, ऑल्ट F1 दबाइए तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में शो जाएगा। 25000 पे GST आपका चार्ज हुआ 18% 2250 2250, और उसी तरीके से अगर आपको TDS का देखना है तो वापस आप जाएंगे मोर डिटेल्स में, और यहाँ से TDS टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑल्ट F1 दबाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25000 का 10% 2500 इनकम टैक्स। ओके,
एंटर करना है न्यू रेफरेंस लेने के साथ साथ अब आपको इसको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। नाउ द नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, यही गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना है। ओके, ये जो 2500 हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए आपको सीधा सीधा चले जाना है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आ जाओ, उसके बाद आपको आना है टीडीएस रिपोर्ट। टीडीएस रिपोर्ट में दो टाइप के फॉर्म फिलेंगे, एक फॉर्म 26Q और एक फॉर्म 27Q, ठीक है। अब फॉर्म 26Q सर्विस से रिलेटेड, जो आप सर्विस के एक्सपेंस कर रहे हो उससे रिलेटेड फॉर्म 26Q होता है, और अगर आप सैलरी से रिलेटेड कुछ टीडीएस की एंट्रीज कर रहे हो, उसका ट्रांजेक्शन का रिटर्न करना है, तो फॉर्म 27Q का इस्तेमाल करना है आपको। तो फिलहाल हम लेंगे फॉर्म 26Q, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ चुका है आपका बैलेंस वेबल 2500, जो कि आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना है। ओके, टोटल डिडक्टेड यहाँ पे भी आ रहा है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, टैक्स पे करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट पेमेंट का इस्तेमाल करना है, ऑल्ट एस प्रेस करना है। क्या पे कर रहे हैं आप, टीडीएस 1 अप्रैल टू 1 में, एक महीने का अगर आप पे करें तो डेट डाल दीजिए, एंटर कीजिए। 194 से सारे ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको, यहाँ से ले लेना आपको बैंक ऑफ इंडिया। एंटर करते करते आपको यहाँ पे क्या कर देना है, चेक की डिटेल्स है, बैंक की डिटेल्स आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद भी अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिलहाल बैलेंस पेबल ही दिखा रहा है मैंने तो, लेकिन पेड कर दिया है, तो यहाँ पे टोटल पेड आना चाहिए था, पर टोटल पेड के बदले अभी भी बैलेंस पेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एरर आ चुका है। ये एरर आना नहीं चाहिए, ये क्या देखिए, पेमेंट डिटेल्स हमेशा ये 1 होना चाहिए और ये होना चाहिए 0, पर यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, 1 आ गया है। तो इसको हमको चेंज करना होगा, और यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो आपको बताएगा, मुझे पहले से पता ही है कि इसका एरर क्यों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो, अभी जो आपने पेमेंट एंट्री पास की तो उसमें आपने बैंकिंग डिटेल्स मेंशन नहीं किया, आपको बैंकिंग डिटेल्स जानना है तब जाके आपका ये हट जाएगा। आप देख सकते हैं बैंकिंग डिटेल्स नॉट अवेलेबल, उसमें एंटर कीजिए। यहाँ से आपको चेक नंबर कुछ भी मैंने फिलहाल रैंडमली डाल दे रहा हूँ, डेट मैंने 1 अप्रैल डाल दिया, BSR कोड आपका फिक्स होता है 7 डिजिट्स, चालान नंबर कुछ भी डाल दिया, डेट अगेन वापस मैंने 1 अप्रैल डाला, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ब्रांच नेम मैंने फिलहाल यहाँ पे डाल दिया साइन नेम, मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, आप एस्केप प्रेस कीजिए, ये हो गया आपका चेंज, हो गया 1 एंड 0, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका चेंज हो चुका है बैलेंस पेबल के बदले, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, आपका टोटल पेड आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसका प्रिंट भी चेक कर सकते हो, प्रिंट के लिए आपको क्या करना है, जो 1 आया है उस पर आपको एंटर करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे आपको इसका प्रिंट चेक करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस कीजिए, करेंट पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको करना है जूम, तो कुछ इस तरीके का आपका ये प्रिंट शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये TDS का आपको चलान के साथ ये दिखाई दे रहा है, 281 आपका चलान नंबर आ रहा है, ऊपर आपका TDS टैक्स चलान आ रहा है, और आपने अभी क्या पे किया है, इनकम टैक्स 2500 जो कि गवर्नमेंट को आपने पे किया है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कर देने के बाद अब बारी आती है ई रिटर्न्स की। अब ई रिटर्न्स कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो आपने जो टैक्स का रिपोर्ट बनाया है, ये जो TDS का आपको जो रिपोर्ट है, उसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखता होगा सेव रिटर्न को, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डू यू वॉन्ट टू सेव द रिटर्न, आपको क्लिक करना है येस पे। जैसे आप येस करेंगे तो ये आपको वापस से बाहर लेके आएगा, बाहर लेके आने के बाद जब आप वापस से इस पर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। एक्सपोर्ट के ऑप्शन के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ई रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो वापस से पीछे आइए, पीछे जाने के बाद रिटर्न्स ट्रांजेक्शन बुक में वो एंट्री को वापस ओपन कीजिए, और फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ई रिटर्न्स का ऑप्शन आ जाएगा। ई रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एंटर करना है, एंटर करना है। अगर आपके पास टोकन नंबर रिसिप्ट नंबर है तो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हो, नहीं है तो इसको नो करने के साथ आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, ऑलरेडी देखिए मैंने TDS की एंट्री करके रखी थी, तो मैंने ऑलरेडी इसका रिटर्न्स भी सेव करके रखा, तो ये पूछ रहा है कि भाई जो भी पहले भी आपने करके रखा है तो क्या आपको उसको ओवरराइड करना है, तो बोला जी हाँ इसको ओवरराइड करना है, तो उसको आपको यस करना है, यस कर दिया, और इस तरीके का ये आपका टैली फाइल यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, अब इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। अब आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। अब आपको TDS की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जहाँ से TDS का फॉर्म निकाल सकते हो, कैसे आपको फिलअप करना है उसकी पूरी जानकारी मैं देता हूँ।
उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा team/nsgl.com। यहाँ पे जाने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, ETDS TCS पे जाना है, क्वार्टरली रिटर्न्स पे जाना है और यहाँ से आपको लेना है रेगुलर। रेगुलर लेने के बाद अब यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। फिलहाल आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो उसमें से आपको जो लेटेस्ट है वर्जन 6.9 इसको डाउनलोड करना है, क्लिक करना है। यह हो गया आपका डाउनलोड जिप फाइल, आपको क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे जाना है। शो इन फोल्डर पे जाने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद विनड्राइव पे जाके आपको इसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद आपको इसको करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक के बाद इसको भी डबल क्लिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS स्टैंड अलोन का यहाँ पे एक विंडोज बैच फाइल आ चुका है, आपको इसको करना है रन। लेकिन आपको एक बार ध्यान रखना है गाइस कि आपको आपके सिस्टम में जावा जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो आपको इंस्टॉल करके रखना है। ओके, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है TDS TCS फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। ओके, ये सारा डिटेल भर देने के बाद जब आप वैलिडेट कर देंगे तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक रफ एजुकेशन वर्जन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ओरिजिनल काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें फिलअप करना क्या रहता है, कहाँ से आपको सोर्स क्या उठाना रहता है। TDS जैसे इनपुट फाइल नेम विद पाथ, ये जो आपका फाइल जो सेव हुआ था ना, जो मैंने अभी बताया था ये वाला, ये आपको इसका पाथ क्या करना है, कॉपी करना रहता है। ओके, तो आपको क्या करना रहेगा, इसका जो लिंक होगा उसको क्या करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको करना क्या है, इसका पाथ कॉपी करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ऊपर जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ से करना है कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये जो फोल्डर फाइल का नाम है वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्लैश के साथ यहाँ पे आपको डाल देना है टैली डॉट TXT फाइल। ओके, ये आपकी TXT फाइल है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ब्राउज पे चले जाओ। ब्राउज पे जाने के बाद आपका वो फोल्डर आप सर्च कर लो जहाँ पे है, आपका फोल्डर है सी प्रोग्राम फाइल्स एंड टैली प्राइम। टैली प्राइम में आ जाने के बाद ही आपकी वो फाइल रहेगी, इसको आपको कर देना है ओपन और यहाँ पे वो पाथ आ जाएगा। नेक्स्ट है चलान इनपुट फाइल नेम विद पाथ। अब देखो ये गाइस आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करने के लिए आपको वापस से अगेन उस पर जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, चलान स्टेटस इंक्वायरी। चलान स्टेटस इंक्वायरी पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे, सिन बेस्ड एंड टैन बेस्ड। तो आपको यहाँ से टैन लेना है। टैन बेस्ड लेने के बाद यहाँ पे आपको जब आप सारी डिटेल फिलअप कर लोगे तो फिलअप करने के बाद आपको लेना है डाउनलोड चलान फाइल। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसका भी पाथ सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट जो पूछेगा एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पाथ पूछेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी आपका पाथ डाल देना है। जाके कुछ एरर तो वो कौन से पाथ या कौन से फोल्डर में आना चाहिए, मतलब अगर कुछ एरर आता है वैलिडेट करते वक्त तो जो एरर में जो भी फाइल आएगा वो बताएगा ये फाइल में एरर आया कुछ भी, तो कौन से फोल्डर या कौन से पाथ में जाना चाहिए, तो वो पाथ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फाइल नेम विद पाथ, जब लास्ट में आपका जो फाइल सेव होगा वो कौन से पाथ में सेव होना चाहिए वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और डाल देने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है वैलिडेट, तो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप TDS की पूरी एंट्री, पूरा टैक्स को जो TDS था वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना, और उसके बाद कैसे आप TDS का ये ई रिटर्न फाइल्स कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको आज की इस वीडियो में दे दी है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा गाइस, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। एंड टैली से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल के रखे, एडवांस टैली बेसिक टैली से रिलेटेड, आप वो मेरे प्रोफाइल वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।